नई नई भर्ती करके कौन कौन आए थे बड़ौदा से? और इसके अलावा ये भैया अंदर भाई ये भाई भर्ती करके आया चार रात में गई थी पांच इसके अलावा सूरत से कोई नए नए बच्चे करके आए खड़े हो जाए जरा क्या नाम इधर से भी है दो अहमदाबाद से भी कोई आए नहीं? कब किया था भर्ती? एक साल पहले। बहुत सी किताब पढ़ रहे पसंद भाई क्या नए नए लोगों को आप बैठे चाय पानी खाने के लिए छोड़ो लगातार अगर कोर्स नहीं करेंगे तो आना शुरू कर किसी को कोर्स कराया लगाओ भर्ती कराने के बाद कोर्स कराया किसी को कराया अपना पक्का हो जाता है सूरत को बड़ौदा को कई साल हो गए हो जाएंगे इससे नाइट शॉट करके हैं एडजस्टमेंट दो मिनट लगे क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं एक बल्ब लगाते हैं बेस्ट हो जाएगा अच्छा आएगा आराम से आराम जी 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 अभी तक क्या बात है आपको माता जी से बची नहीं थी बाबा डायरेक्टर नहीं क्या नहीं बता दिया जैसे चेस होती है खेलने के लिए ऐसे ही चौसर होती है चौसठ स्तरों का भोजन है बोला है कि आप भी देखेंगे और बाप भी देखेंगे बाप माने प्रजापिता आप भी देखेंगे तो है शरीर उनका ठीक ठीक
बाबा जीवित है मम्मा, बाबा दादा लिख रहा दोनों को भारत बनाने वाले कोई बच्चे नहीं होंगे तो ऐसा प्रसार करना है मम्मा बाबा आप ही तुम्हारे भारतदार बने, अरे ब्रह्मा सरस्वती भी तुम्हारे बच्चे बन जाए आकर के नई दुनिया, नई दुनिया बड़ा गाँव लगाना बाबा तो बड़ौदा में पहले ही आ चुके थे जब यहाँ प्रदर्शन लगी थी, नहीं आडवाणी पार्टी का ग्रुप यहाँ बना था अहमदाबाद में बीस लाख रुपया जोर लेकर सेवा करनी पड़ेगी आया कि बीस नाखूनों का जोर देकर के तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रही हूँ में अपना संगम में अपना राज्य स्थापन नहीं करेगी अरे साथ नहीं आप लोग भट्टी करके अच्छा अभी अभी आप भट्टी करा के लाए क्या दो माता है हाँ जी अच्छा दो भाई जो अहमदाबाद की मुख्य कन्या मालूम कौन है कौन है तो खास निकल पड़ेगा तो अहमदाबाद वाले आत्माओं के लिए बहुत फायदेमंद फायदेमंद बात है ना बाबा ने तो स्पष्ट और बोल भी दिया विजय माला का आवाहन करो छोटी माँ अहमदाबाद में आकर के सेवा लेकिन फोटो से प्रत्यक्षता नहीं होती है क्या ऐसे प्रत्यक्षता होगी चलन और चेहरे से व्यक्ति से वृत्ति से प्रत्यक्षता होगी या फोटो छपा देने से प्रत्यक्षता हो जाएगी ब्रह्मा कुमारियाँ क्या समझती है ब्रह्मा कुमारियाँ यही समझती है दादा लेखराज ने ये सारा कार्य कराया और ऐसे बोला है शंकर तत्व साक्षात्कार होता है ये तो एडवर्टाइजमेंट किया गया है हाँ जी मुरली क्या कहती है और देहधारी गुरु लोग क्या कहते हैं मुरली जी कहती है कि ये सारी कथा कहानी है प्रजापिता ब्रह्मा की नाम डाल दिया है कृष्ण का कृष्ण माने कृष्ण ब्रह्मा का
और बाबा मूर्ति का चित्र है साइड में बोला दिखाया गया है वहाँ से चार रूमर और चार कुमारे दिखाई गई हाँ जी और जो सीढ़ी का चित्र है उसमें चार कुमार और तीन कुमारे दिखाई गई उसका अंतर क्या है उसका अंतर यह है कि वो संगम युग में ही दिखाया गया है नई दुनिया ब्रह्मा की तरफ और पुरानी दुनिया का विनाश शंकर की तरफ जहाँ विनाश होना है वहाँ जो कम पुरुषार्थी है उनका विनाश नहीं होगा क्रिश्चियन धर्म है और क्रिश्चियन धर्म में कौन सा पूजा का स्थान माना जाता है गिरजाघर गिरजाघर नाम क्यों पड़ा कोई तो ऐसी आत्माएं निकली होंगी जिसने उनके संकल्प चलाए होंगे ईश्वरीय कार्य ईश्वर का सहयोगी बनना चाहिए या ईश्वर का विरोधी जन बनना चाहिए संकल्पों संकल्पों से भी तन से भी मन से भी धन से भी सहयोगी बनना चाहिए विरोधी बन गया तो भगवान का घर बिगाड़ेगा उसका अपना घर रह जाएगा घर किसे कहा जाता है ईंटों को घर कहा जाता है या गृहिणी को घर कहा जाता है गृहिणी को ही घर कहा जाता है तो वो भी रक्षण पार्वती शंकर को हो गया ना मुरली बात बैठ गई पांडुरंग से क्या बात बैठ गई योगेश्वर पांडुरंग शास्त्री में योगेश्वर कहते हैं और यहाँ हमारे पास भी योगेश्वर प्रैक्टिकल होना चाहिए ना मतलब योगियों का ईश्वर हुआ ना हाँ जी योगेश्वर का जिनको योग सिखाया गया उन योगियों को योग सिखाने वाला तो शासन करने वाला ईस माने शासन करने वाला वर माने श्रेष्ठ शासन करने वालों में योगियों को शासन करने वालों में जो श्रेष्ठ है वो योगीश्वर है तो शिव बाबा प्रजापिता जी थोड़ी कह सकते हैं वो है सभी तो हाँ इस्लाम धर्म है उसका नाम ही क्या पड़ा उसका नाम ही द्वापर द्वैतवाद चल गया इस्लाम धर्म है अमृतवाद से एकता में चला गया जो भारतीय धर्म है वो एकेश्वरवाद से अनेकतावाद में चला गया इस्लाम धर्म का एकता में चला गया उसमें से सियासत भी निकल पड़े उसमें से इस्लाम धर्म से मोहम्मद निकल पड़े जिन्होंने मूर्तियों को तोड़वा दिया हर धर्म में द्वैतवाद चलता है ऐसा एक भी धर्म नहीं है जिसमें द्वैतवाद न हो द्वापर युग मतलब ये द्वैतवाद अद्वैत होते हैं देवताएं अद्वैत किसी दूसरे को न मानने वाले एक बाप दूसरा न कोई और बाबा बात चल रही थी कि बाबा आने वाले एक बजे या दो बजे के रात में खाना खाने गया सबसे जब माता लगे जो माता ने बताया तो सब तो फिर बाद में खाना क्या बात कर सकते तो बाबा जी कहते हैं खाना नहीं खाओ तो भाई मैंने वही बताया बाबा ने तो कभी ऐसा किया नहीं है तो अपनी मन बताई बाबा तो कहते तुम जितनी मेरी याद में रहते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ क्या जितना तुम मेरी याद में रहते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ तो बाबा जी याद में रहकर के खाएंगे तो बाबा के साथ खाना खाना नहीं हुआ तो फिर खाएगी लिए सारा दिन भूखे मरना बाबा की याद में बनाना बाबा की याद में खाना बाबा की याद में खिलाना साकार का अभी अध्यक्ष स्टेज वाली बात तो सबको भूल गई
किसने दिया? मैंने दिया कहने से डबली बजाने से कहीं परिचय हो जाता है? कोई प्रूफ देंगे तभी तो कोई मानेगा, बिना प्रूफ को प्रमाण की कैसे कोई मानेगा? एड्रेस देने से कोई नहीं मानेगा कि ये एड्रेस है, ये भगवान आया हुआ। ऐसे डबली बजाने वाले ढेर सारे होते, ये तरीका नहीं है। यानी तू आत्मा का मतलब है ज्ञान के आधार पर, प्रूफ और प्रमाण के आधार पर बात को समझाना, जिसका कोई जवाब न दे सके। गलत बात है ऐसे ही चित्र छपा दी, ये तो वही बात हो गई जैसे वो किताब छपा दी, चित्र बता दिया, उसने दिखा दिया। किताब में ऊपर चित्र दिया हुआ है कुछ और, अंदर मैटर दिया हुआ है कुछ और, किसी को क्या समझ जाएगा? जी भेजना मुर्गी मुर्गियों में भी ईमेल करना, ये लिटरेचर तो वहाँ बहुत पहुँच चुका है पहले से ही, कंसेप्टर से ही लिटरेचर पहुँचाया जा रहा है, अभी की बात थोड़ा ही है। मुरली में जब से बाबा ने बोला है ये चार चित्रों पर मनन चिंतन मंथन अमृत वेले बैठ करके करना चाहिए, जो मंथन में नई नई बातें निकले वो हेड ऑफिस में लिख करके भेजो, बाबा तो व्यंग मार्ग की सर्विस बताते हैं, उसी समय ट्रेड कोर्ट से सारा एडवांस ज्ञान भेजा जा रहा है। मान लिया? हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, हेडक्वार्टर से बंधे हुए तो कोई बात हो गई, जैसे कुमार का दादी के सामने कलकत्ते के रविंद्र भाई पहुँचे कंपनी में भर्ती करने के बाद, और कुमार का दादी से कहा दादी ये तो सारा का सारा ब्रह्मा कुमारी आश्रम कन्वर्ट हो जाएगा एक दिन शंकर पार्टी में, तो दादी कहती है विश्वजीत भाई से बात करो। तो ऐसे ही उन्होंने कह दिया हेड ऑफिस में सारा लिख करके भेजो, मैंने हेड ऑफिस के अधीन हो गए। अच्छा बाबा, आपका जो सेशन चल रहा है सन्मुख जो अभी कर रहे वहाँ में, उसमें कोई टीवी में प्रोग्राम आते हैं जागरण, वो जो चैनल है इसमें हमारे सेशन नहीं है, क्योंकि बीच में मैं दिल्ली में गया था तो बताया था कि चैनल पे एक भी घंटा आता है बाबा सेशन दिखाते लोकल। चैनल वाले तो पैसे मांगते हैं, आपका चैनल में संस्कार चैनल में अगर तुम्हें देना है तो लाख रुपया दो उनको डाल देंगे। बात हो रही है, एक बात हो रही है अभी, बाबा ने कहा है विश्व का मालिक विश्व के राज्य कैसे करेगा, जैसे बड़ोदे वाला बड़ोदे पर राज्य करेगा, क्या जैसे बड़ोदे वाला बड़ोदे पर राज्य करेगा वैसे ही विश्व का मालिक विश्व पर राज्य करेगा। वो तो है हद का बड़ौदा, और एक है बेहद का बड़ौदा, बड़ा बड़ा दा माने जो बड़ों बड़ों को निकाल कर संसार में दे दे, ये है बड़े बड़े, वो हो गया बड़ौदा। बड़े बड़े कितने हैं जो हर धर्म में पूजे जाते हैं, माने जाते हैं, सिमरण किए जाते हैं, वो माला है 108 की जो माला है वो ही बड़े बड़े हैं, तो बड़ों बड़ों को निकाल करके संसार के सामने पेश कर देता है, तो हो गया बड़ौदा। बड़ौदा की महारानी का भी जिक्र आया है, माता दर्शन करना दर्शन चक्र फिराना। हाँ, अपनी आत्मा अभी तो बोला, जो आत्मा पाठधारी तो है
लेकिन अपने पार्ट को जानती नहीं कि अपने 84 जन्मों में क्या क्या पार्ट बजाए, तो हिंदू आत्मा हो गई ना। तो मन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता रहे तब तक जब तक 84 जन्मों का पूरा ज्ञान न हो जाए, तो कहते हैं सुदर्शन चक्र को मन माने आत्मा। दर्शन माने देखना, चक्र माने 84 का चक्र, अपनी आत्मा को 84 के चक्र में देखना, वही है संगम। युगी कृष्ण का गायन है शास्त्रों में या सतयुग के कृष्ण बच्चे का गायन है शास्त्रों में? माता का गहने का भाव है। शास्त्रों में कौन से कृष्ण का गायन है? संगम युगी कृष्ण का। आपको संगम युगी कृष्ण की चाहना है या सतयुग के कृष्ण की चाहना है? कौन से कृष्ण की चाहना है? आपको बच्चे के रूप में कृष्ण चाहिए या वो कृष्ण चाहिए जिसने कंस से लड़ाई लड़ी थी, महाभारत युद्ध कराया था, पांडवों को विजय दिलाई थी? कौन से कृष्ण चाहिए? माताओं को तो बच्चे वाला चाहिए। पांडवों के साथ जाता है क्या? पांडव जब स्वर्गारोहण किया तो उनके साथ कौन गया? कुत्ता भी साथ में गया। फाउंडेशन है कामदेव स्वर्ग में अगर न जाए तो नई संपत्ति कहाँ से पैदा होगी? देवताओं की पैदाइश कहाँ से होगी? बोला है वही है का धामो अनंग। कामदेव तो होगा सत्युग में, सत्युग त्रेता में, लेकिन अनंग होगा, वो अंग नहीं होगा जो काम की मार करने वाला है। इसलिए बोला है कि कामदेव सत्युग में होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है। और बाबा जो भी टेलीविजन पर ठाकुर दिखाते हैं कि 2012 में बिना, हाँ जी करने के बाद अभी कैप्शन लगातार नहीं सुन रहे, इसका जवाब कई बार दे दिया है कि वैज्ञानिकों ने जो शोध की है कि 2012 के बाद कोई तबारीख नहीं होगी, दुनिया का विनाश हो जाएगा और पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि दुनिया के हर काम की शुरुआत पहले सूक्ष्म से होती है, पहले संकल्पों से शक्ति रची जाती है और बिगाड़ी जाती है, या पहले स्थूल में शक्ति रची जाती है और बिगाड़ी जाती है। ये सूक्ष्म में संकल्पों से शक्ति रचना और शक्ति के बिगाड़ने का काम 76 के ब्राह्मण यूनियन शुरू हो चुका। ब्राह्मणों की दुनिया में जो पृथ्वी माता का पाठ बजाने वाली चैतन्य आत्मा है वो अभी आसुरी संस्कार वालों की तरफ झुकी हुई है। पृथ्वी को झुका हुआ दिखाते हैं ना, 2012 में वो आत्मा दैवी संस्कारों की तरफ झुक जाएगी, पृथ्वी की धुरी चेंज होने वाली है। ये विनाश होगा, स्थूल विनाश दुनिया का अभी होने वाला नहीं है। बाहर की दुनिया वालों का असर जल्दी पड़ जाता है, प्रभाव जल्दी पड़ जाता है, वो बात चारों तरफ बड़ी जल्दी जल्दी तीव्रता से फैलने लगती है। भगवान आया हुआ है 70 साल से चिल्ला रहा है, 100 साल का संगम युग है, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है, वो बात बुद्धि में नहीं चलती। ब्राह्मणों की दुनिया में बोलते 2036 में कृष्ण का जन्म होगा, नहीं तो स्थूल कृष्ण का जन्म होगा कि सूक्ष्म कृष्ण का जन्म होगा? दोनों कृष्ण फिर वो तो होगा ही,
कर्मों से वो पूरा होगा तो कौन सा युग शुरू होगा? और सत्युग का पहला पत्ता कौन होगा? चैतन्य ये पर बड़ा होगा कृष्ण, तब वो सत्युग गिना जाएगा ना। ये क्या वन 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 सत्युग के बाद में एक बात है, दिन कब गिने जाते हैं? सुख में दिन गिने जाते हैं या सुख में दिन गिने जाते हैं? सुख में दिन गिने जाते हैं। सत्युग में सुख होगा या दुख होगा? सुख होगा। तो वहाँ दिन गिनने की क्या बात है? हिस्ट्री कब बनती है? हिस्ट्री बनती है द्वापर युग से, जब द्वैतवादी दुख का युग शुरू होता है, दो दो बातें शुरू हो जाती है। द्वापर युग से तवारीख शुरू होती है, तिथि शुरू होती है, चाहे क्रिश्चियंस की हो, चाहे सख संबत हो, चाहे हु संबत हो, ये संबत वगैरह शुरुआत होते हैं द्वापर से। सत्युग में सुख ही सुख है, वहाँ कोई तवारीख की जरूरत नहीं। तो 17-18 में जो बात बताई है हाँ, संगम युग की बात है। संगम युग में ऐसा टाइम आएगा कि नई दुनिया के वाइब्रेशन ऐसा तैयार हो जाएगा जहाँ जिस वाइब्रेशन में जो भी पहुँचेंगे वही चेंज होने लगेंगे, ज्ञान सुनाने की दरकार ही नहीं रहेगी। अठारह से बाद में कंचन काया का वो कंचन काया पांच तत्वों को परिवर्तन होने की बात है या आत्मा को परिवर्तन होने की बात है? कंचन काया जो कही जाएगी, काया काया माने शरीर, तो पांच तत्व पहले परिवर्तन होंगे या पहले आत्मा परिवर्तित होगी? तो 2018 में क्या शुरुआत होगी? आत्मा का परिवर्तन होगा या पांच तत्वों का परिवर्तन शुरू हो जाएगा? आत्मा का परिवर्तन शुरू होगा, पांच तत्वों का परिवर्तन थोड़ी शुरू हो जाएगा। पांच तत्वों का परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक ये पांच तत्वों की दुनिया पूरी खलास नहीं हो जाती। पांच सौ सात सौ करोड़ जितने भी मनुष्य मात्र हैं, उन सब के वाइब्रेशन पांच तत्वों को दूषित कर रहे हैं। पांच सौ सात सौ करोड़ मनुष्य मात्र साफ कर ही छोड़ देवे। 2017-18 का 4.5 लाख 11 ऋतु आत्माएं ऐसी बचे जो वाइब्रेशन को शुद्ध करने वाली है, तब दुनिया के पांच तत्वों का परिवर्तन शुरू होगा। माने 2037 से पहले ना पांच तत्वों की दुनिया खलास होगी और ना पांच तत्वों का परिवर्तन शुरू होगा। पहला ऐसे बताया कि 17-18 में कृष्ण का जन्म। नहीं नहीं बताया, ये तुमने अपना समझा है बहुत कुछ। 18-20 साल का कृष्ण को बड़े होने से तो कृष्ण संगम की कृष्ण है, लेकिन सत्य की कृष्ण है। अच्छा, कहा कुछ जाता है, अपनी समझ की कुछ और है। 75 के बारे में बाबा ने क्या बोला था मुरलियों, क्या बोला था और क्या समझने वालों ने समझ लिया? आने वाले तो हो गया भ्रष्टाचार विकारों का ना। नहीं नहीं वो तो एक आत्मा की बात है। कोई बात बताइए, लक्ष्मी नारायण का जन्म की बात बताइए कि लक्ष्मी नारायण जो संगम युगी है उनके वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे। बाबा आदि का सेवा का तरीका सेवादारी आत्माओं का, और 2018 के बाद जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तब का सेवादारी बच्चों का सेवा का तरीका इसमें क्या अंतर होगा? माना बच्चा अभी बाप दादा प्रवेश करके बच्चों में सेवा कर रहे हैं, करा रहे हैं। बच्चे तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान को अपनी रग लगी रहेगी, विकारों की रग लगी रहेगी, या वो सेवा करेंगे? अभी बिच्छू किंडन पैदा हो रहे हैं एडवांस पार्टी में भी और बेसिक में भी, क्योंकि वाइब्रेशन सेवा करने वालों के सुधरे हुए नहीं। सेवाधारियों के वाइब्रेशन सुधर जाएंगे
तो नई शक्ति के नए फूल पैदा होंगे, उसको कहेंगे विजय माला। वो 2018 के बाद। हाँ जी, अभी सुखदाई जी बड़े पैदा हो रहे हैं, या सुखदाई पैदा हो रहे हैं एडवांस में भी कहो। सात नारायण है सतयुग के, गिरती कला के नारायण, उनको जानवर का अवतार दिखाया गया है। कोई कछुआ अवतार है, कोई मच्छा अवतार है, कोई घोड़े का अवतार है, कोई सुअर का अवतार है, ऐसे दिखाए गए ना। तो उनमें एक लास्ट अवतार है कछुआ का, उसके ऊपर सारे छह नारायण टिके हुए। भक्ति मार्ग में कहा हुआ है कछुआ के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। जब सागर मंथन हुआ तो कछुए की पीठ के ऊपर मथानी चलाई गई पहाड़ की। भक्ति मार्ग में ऐसे बोलते हैं, कोई दूसरा नहीं है। चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज का भी ठाट का जो विस्तार है वो आर्य समाज के ऊपर टिका हुआ है। सबसे ज्यादा लिटरेचर कौन छपाते हैं? आर्य समाज। बेसिक ज्ञान में भी लिटरेचर छपाना और लिटरेचर का विस्तार करना ये किस व्यक्ति के हाथ में था? जगदीश भाई। वो आखिरी जन्म में कौन से धर्म के थे? आर्य समाजी थे। और बेसिक नॉलेज में भी आठवां नारायण साबित होते हैं। कछुए की विशेषता होती है, जब चाहे तो अपनी इंद्रियों को सिकोड़ के बैठ जाए, दूसरे समझेंगे ये तो बड़ा योगी है। और जैसे ही अकेला अपन देखता है इंद्रियां सब बाहर आ जाती है। अब बाबा एक एक के पार्ट थोड़े ही खोलेगा बैठ कर, जब टाइम आएगा तो सबके पार्ट खुल जाएंगे। अपने कवाणी में तो बोला है, बाप दादा हर आत्मा के एक एक आत्मा के पार्ट खोल करके बोर्ड या कागज पर लिख करके नहीं बतावेंगे, ये पूछना भी नहीं चाहिए किसका पार्ट है। हर एक पार्ट चाहे कोई भी पार्ट हो दुनिया का, हर एक पार्ट का बीज प्रजापिता में समाया हुआ है। कौन से साल में बोलते हैं? सो के उठी बाबा ने बोला, बाबा हर बात को साफ साफ सीधा सीधा नहीं बोलते। बाबा का कहना है देवताओं के लिए इशारा ही काफी होता है। तो मुरली बोला, दुनिया की ऐसा कोई बात नहीं, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो तेरे पर लागू न हो। तू राम भी बनता है तो तू रावण भी बनता है, कृष्ण कंस भी बनता है और कृष्ण कंस भी बनता है। जाते हैं वो सब कब्र दाखिल ही तो हो जाते हैं। इतने देवताएं हैं, जब कब्र दाखिल हो जाते हैं तभी तो उनकी इस्लाम धर्म में पूजा होती है।
कभी कोई चक्कर चढ़ा दे ऐसा अनुमान करते हैं। हाँ जी, वो सोते हुए को मानते हैं। जैसे आज की दुनिया में पहले शंकर जी का सोता हुआ चित्र नहीं था, बाद में अभी सोता हुआ चित्र निकला, वो भी सोया हुआ है। सोया हुआ माना नहीं, अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ है। जब जग जाएगा तो बैल के ऊपर सवार हो जाएगा, या बैल रूपी चंद्रमा उसके ऊपर सवार होगा, बैल के ऊपर सवारी हो जाएगी। इसलिए मुरली ने बोला है, देवर इसके ऊपर सवारी करेगा, जानवर में सवारी करेगा या मनुष्य में सवारी करेगा। मनुष्य कौन है? मनुष्यों में बड़ा मनुष्य है देवता, और देवताओं में बड़ा देवता है शंकर। तो शंकर में शिव प्रवेश करता है, और शंकर का एक सवारी सिखाते हैं भक्ति मार्ग में, बैल पर सवारी सिखाया है। वो बैल कौन है? ब्रह्मा की आत्मा बैल है। वो बैल ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल अभी शंकर के मस्तक पर विराजमान दिखाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रवेश है, या राम वाली आत्मा उस पर प्रवेश होती है? पावरफुल आत्मा कमजोर में प्रवेश करती है, या कमजोर आत्मा पावरफुल में प्रवेश करती है? पावरफुल आत्मा कमजोर में प्रवेश करती है, पावरफुल आत्मा कमजोर में प्रवेश करती है। तो अभी बैल की सवारी शंकर के ऊपर है, तो असर पड़ता है क्या बाबा? क्यों नहीं असर पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैल क्या करता है? तो फिर तो जो पार्ट है शंकर का विष पीता है, ये कहाँ का पार्ट है? राम वाली आत्मा को कोई कहेगा कि विष पीने वाली है? विकारों के अधीन हो जाती है। पांच विकारों में मुख्य विकार काम विकार है, और काम विकार का बाप कौन है? दे अभिमान। रावण के सर के ऊपर कैमरा में आता है, कौन सा सर दिखाया? सर्वोपरि गधा। पांच विकार तो है, रावण के दस सिरों में से मुखिया, लेकिन उनका बाप कौन है? उनको पोषण देने वाला कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में इन विकारियों को पोषण किसने दिया? पालना किसने दी? राम वाली आत्मा, सूर्यवंशी आत्मा तो चली गई। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि को पालना किसने दी? ब्रह्मा ने पालना दी, जो गोद में सब पले। गधा दिखाया जाता है रावण के सर के ऊपर, दे अभिमान रूपी गधा है। बाबा राम वाली आत्मा तो बीज रूप स्टेज में सबसे ज्यादा टिकती है, उसमें टिकेगी उसी समय न, हर समय 24 घंटे टिकती है। जमदे जामदे हो जाता है क्या? ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, है? प्रैक्टिस तो ब्रह्मा बाबा की मुकाबले लंबे समय की है। नहीं, ब्रह्मा बाबा की मुकाबले की नहीं है अभी। अगर ब्रह्मा बाबा के मुकाबले की होगी तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि को चेंज कर दे। गीता का भगवान शिवशंकर भोलेनाथ निराकार हो जाए, ये बात ब्रह्मा की बुद्धि में अभी तक बैठी है? क्यों नहीं बैठी? क्योंकि राम वाली आत्मा सदा सदा काल के लिए निराकारी स्टेज वाली बनी है कि नहीं बनी है? नहीं बनी है। सदाकाल की निराकारी स्टेज वाली बन जाएगी तो राम और कृष्ण दोनों मिलकर के एक विष्णु का रूप बन जाएंगे। भारत माता शिवशक्ति अवतार, ये अंत का नारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। राम वाली आत्मा के ऊपर मदार है उस आत्मा, राम वाली आत्मा के ऊपर मदार नहीं है। बाप कभी अपने को आगे नहीं करता, बाप बच्चे को आगे करता है। बच्चा कौन है?
कृष्ण बच्चा है, एक के पतित होने पर सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। वो आत्मा तो आदि जी की स्वरूप बनी हुई थी, ब्रह्मा की आत्मा शिव बाबा के ज्ञान मार्ग में गीता का भगवान की बात मान्य नहीं कर रही है तो सबसे ज्यादा विघ्न रूप वही आत्मा बना। सबसे बड़ी भूल कौन सी है? गीता का भगवान कृष्ण है। बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। ये बाप की जगह बच्चे का नाम डालने वाला कौन? वो खुद है, अपने अपने ग्रंथों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है। वाल्मीकि नारद सब घट जो निज निज मुख कहेरी जोड़ी, अपनी अपनी कथा कहानियां लिखी है बैठ करके शास्त्रों। सूरदास ने सूर सागर लिखा है तो उसने अपनी कहानी लिखी है, कृष्ण की, कृष्ण को भगवान बना दिया। शंकर की सवारी बैल पर, शंकर की सवारी संपूर्ण रूप में बैल पर कब तक होगी? 2018 बीस तक संपन्न स्टेज हो जाए, चला जी उसी साल में संपन्न निराकारी स्टेज हो जाए, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी सदाकाल की स्टेज हो जाए तब ही कहेंगे विजय पाई। तो उस आत्मा का मधुबन माउंट आबू गुजार बाग या संदेश में प्रवेश करना भी बंद हो जाएगा, फिर पूरी सवारी हो जाएगी तब। एडवांस पार्टी वाले या शंकर पार्टी वाले ब्रह्मा बाबा के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? कब आना बंद हो जाएगा? अरे सीधी सी बात है, सूर्य प्रत्यक्ष होगा पूर्णमासी के दिन, एक तरफ सूर्य प्रत्यक्ष होता है तो दूसरी तरफ चंद्रमा अक्ष होता है। अरे सूर्य को तुमने प्रत्यक्ष कर लिया क्या? चल रहा है ना बाबा, चल रहा है तो वो भी चल रहा है। लेकिन हमारे सूर्य को प्रत्यक्ष करने के काम में वो आत्मविघ्न रूप बनी हुई है। तुम्हारा चंद्रमा नहीं है क्या हमारे ज्यादा में? तो बाबा सूर्य का है ना, सूर्यवंशी बच्चों के लिए है, हम सूर्यवंशी बच्चों के लिए ज्यादा में सूर्य का है। सूर्यवंशी माता सूर्यवंशी बच्चे तब कहे जाए जब सूर्य को प्रत्यक्ष करे। कार्य तो चल रहा था ना, कार्य वो भी चल रहा है, चंद्रमा के प्रत्यक्ष होने का। लेकिन बाहर की जो गवर्नमेंट है ना उससे डरते हैं, बोलते हैं ऐसे जेल में डाल देंगे तो क्या जेल में डाल, मतलब क्या ऐसे कपड़े सेवा के लिए जूता जूता आक्षेप कर देते हैं ना, जूता जूता आक्षेप करके फिर अंदर करा देते हैं तो बचेंगे नहीं। जो बाप के ऊपर गुजरी है वो हर बच्चे के ऊपर नंबर वार गुजरेगी। वो डर करके भाग करके कहाँ जाएंगे? फिर बाप बचाएगा ना बाबा? बाप को बाप ने नहीं बचाया क्या? हाँ बचाएगा तो फिर नारायण है तो बात नहीं मिली। और यहाँ पे जो हस्ते गांधी थे महात्मा गांधी, उनका जो लड़का था हीरा, अभी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना था, तो बात डेली हो गई ना। यहाँ पर गांधी जी का सारा जीवन ब्रह्मा बाबा से टैली नहीं हो रहा है? गांधी जी भी रामराज जी चाहते थे, ब्रह्मा बाबा भी क्या चाहते थे? रामराज जी चाहते थे, फिर रामराज जी हुआ कि रावण राज्य हो गया, और ही रावण राज्य हो गया। मुरली में तो बोला हुआ है गांधी मरा राजकोट की तरफ कोई साहूकार कांग्रेस के यहाँ जाकर के जन्म लिया, उसका स्थूल अर्थ लगाए तो उस गांधी के लिए लागू होता है, और सूक्ष्म अर्थ लगाए तो बेहद के गांधी के लिए लागू होता है। बेहद के गांधी माने सत्य वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा, ज्ञान रत्नों के साहूकार है राम वाली आत्मा, उसके बुद्ध रूपी धरणी में प्रवेश हो गई। वो बुद्ध रूपी धरणी है राजाओं का कोट, कोट माने किला, राजकोट माने राजाओं का किला।
तो बाबा बिजनेस इतना लंबा हो गया है कि मतलब टाइम तो फिर ये तो सब बच्चे होंगे उनको गिरना चाहिए कि नहीं, माला कैसे बनेगी, माला बनने नहीं देगा तो प्रजा ऐसे बात भी बन सकते प्रजा को कौन पूछता है, प्रजा तो ऐसे ही कटती रहती है युद्ध में लिखा है तो आप क्या निकले गण का मतलब होता है समूह और समूह कोई एक से नहीं बनता है कम से कम कितने चाहिए दो तो ये दो बैल हैं वास्तव में एक बैल नहीं है राम और कृष्ण दोनों ही अभी कौन सा पार्ट बजा रहे हैं बैल का पार्ट बजा रहे हैं या शेर का पार्ट बजा रहे हैं अभी भी बैल का पार्ट जब शेर का पार्ट बजाएंगे तो संसार में ऐसी ज्ञान की दहाड़ आएगी कि कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा माताएं माताएं क्लास करती है कोई पिता नहीं है नहीं भाई भी है ना और रमेश भाई भी है रमेश भाई है ना हाँ युगल भी है तो रमेश भाई के घर में क्यों नहीं गीता पाठ करा सकती है तो रमेश भाई के घर में क्लास करो हाँ जी बाबा ने तो बहुत पहले से बोला हुआ है वही वही बात है बाबा हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी युगल ने भट्टी की हो और भट्टी करने के साथ साथ फिर हिंदी में अनुवाद करना जानते हो बाबा की वाणी जो वीसीडी में या कैसेट में आती है उस वाणी को हिंदी से गुजराती में अनुवाद करना भी आता हो तो अपने घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं अहमदाबाद में तीन सौ हजार किताब बताए ना कि और कहाँ पे जीव है नहीं उसके सिवा और कहीं पे जीव है नहीं तो भी बहुत आ रहा है उसके अलावा कोई जीव नहीं है ऊपर में कौन आ रहा है न्यूज़ पर बहुत आ रहा है अरे न्यूज़ पर तो ये भी आ रहा है तुम्हारे पिता तुम्हारा बाप जो ऐसा था वैसा था कैसा था फिर कोर्ट में कैसा साबित हो गया हाँ सही बात न्यूज में तो जाने क्या क्या आता है सब झूठे हैं ये न्यूज लिखने वाले विकारी मनुष्य हैं या निर्विकारी हैं और पैसे से काम विकारियों की बात बहुत जल्दी मान लेती है कि बाबा आया हुआ है एवर पे और उसकी बात कोई नहीं मानता बाबा सीढ़ी का चित्र है उसमें त्रेता द्वापर के बीच में ही भारत क्यों दिखाया गया द्वापर के बीच में भारत इसलिए दिखाया गया है कि भा माने रोशनी रत माने लगा रहने वाला देवताओं में ज्ञान की रोशनी ज्यादा होती है या देवताएं जब आसुर बनते हैं तब उनमें ज्ञान की रोशनी बाहर निकलती है देवताओं में ज्ञान की रोशनी होती है या देवताएं जब द्वापर युग से असली जन्म लेते हैं तब उनमें ज्ञान की रोशनी ज्यादा निकलती है इसलिए भा माने रोशनी और रत माने लगा रहने वाला जब से देवताएं द्वापर युग में उतरे तब से वो ज्ञान में मनन चिंतन मंथन करने में शास्त्रों में लग गए इसलिए उसका नाम पड़ गया भारत भा माने रोशनी ज्ञान की रोशनी में मनन चिंतन मंथन करने में लग गए बोला है वो भी निकल जाएगा हम बोले बोला हुआ यहाँ भी तो ऐसे ही है एक तरफ है मुसलमानों का राज्य वो कहते हैं अल्लाह अकबर किसी का ज्ञान मत सुनो हमारी बात सुनो तो मुसलमानों का राज्य है कि नहीं पाकिस्तान है वो अपने को पाक समझते हैं कि नापाक समझते हैं क्या समझते हैं वो अपने को समझते हैं हम बड़े पाक हैं लेकिन हैं सन्यासी
अलग अलग सन्यासी घर में रहे पड़े हैं, सब पवित्र रह सकेंगे? जैसे एडवांस पार्टी के लोग घरग्रस्त में रहते हैं और घरग्रस्त में रह कर कर ये नंबर बार पवित्र रहते हैं, ऐसी पवित्रता वो लोग जीवन जी सकेंगे? नहीं जी सकते। तो पाक कौन हुए और नापाक कौन हुए? तो ब्रह्मा विष्णु में जो है उसने ब्रह्मा और विष्णु का कहीं बचपन का फोटो ना शंकर का क्यों शंकर का फोटो बचपन का दिखा दे सोते हुए ब्रह्मा और विष्णु ये नौजवान ही दिखाई जाते और शंकर जो है वो महात्मा बच्चा के रूप में दिखाया जाता है। शंकर नाम दो या संगम जी कृष्ण नाम दो बात एक ही हो जाती है। इसलिए मुरली में बोला नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। ये चारों जो नाम हैं वो एक के ऊपर हैं या अलग अलग हैं? एक ही है वो चारों ही। जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो एक ही है। दाढ़ी मूंछ वाला पहले इसलिए दिखाते हैं कि भिखारी है पहले, पुरुषार्थ करते करते बाद में क्या बन जाता है? कौन? शंकर निर्विकारी भी बन जाता है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो ब्रह्मा है या नहीं है? प्रजापिता भी, दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा है या नहीं है? वो भी है। महाकाली और शंकर के शरीर पे लेटा हुआ शंकर दिखाई दिया। शंकर जी होशियार आदमी है, वो जानता है कि हमारा काम कर रही है। विनाश का काम किसका है, शंकर का है या असुर संगारिणी देवी का है? असुर संगारिणी देवी उसका काम कर रही है तो चुपचाप काम करने दो, क्या अंतर पड़ता है? विश्वामित्र मोटा श्रेष्ठ कौन? विश्वामित्र विश्वामित्र कौन है लागू पड़ेगा? विश्व का मित्र कौन है और ब्राह्मण कौन है? वशिष्ठ माने ब्रह्मा, उनमें पवित्रता का पावर है। और विश्वामित्र क्षत्रिय थे, राम वाली आत्मा फेल हो गई, लेकिन है विश्व का मित्र, माने देवताओं का भी मित्र है और असुरों का भी मित्र। ब्रह्मा ने सिर्फ किसको? ब्रह्मा जो विष्णु बनता है तो विष्णु सिर्फ किसको वरदान देता है? देवताओं को वरदान देता है। और शंकर जी असुर और देवताओं को दोनों को वरदान देते हैं। प्रजापिता हुआ ना विष्णु? हाँ जी। बाबा तो मना करते हैं कि योग सब छोड़ दो, भूल जाओ, याद करो। याद वो चीज की जाती है जो पहले हमने कभी आंखों से देखी हो, याद आती है। हैं? इसके संसर्ग संपर्क में पहले हम कभी आए हो वो याद आता है। इंद्रियों से संपर्क में आए हैं, संबंध में आए हैं तो याद आता है। आंखों से देखा है तो याद आता है। मुख से बतियाए हैं तो याद आता है। कानों से सुना है तो याद आता है। अब समझ में आ गया? उसको कहेंगे याद। अब पुष्पा के याद नहीं है। राम वाली आत्मा त्रेता युग में क्षत्रिय धर्म की बताई गई है। उसके वास्तव में दो बच्चे हैं, लव और कुश। इस्लाम धर्म है लव और कुश है
कांटा लगाने वाला, संसार को दुख देने वाला, ये दो हैं मुखिया, लव और कुछ, इस्लाम धर्म का बीज और क्रिश्चियन धर्म का बीज, दोनों का नाम पड़ा है लव और कुछ। तो राम के बच्चे बताए, राम के ही बच्चे हैं और कश्यप के बच्चे हैं, नहीं राम के ही जो विधर्मियों की पैदाइश है, ये अभिमानी से होगी या आत्माभिमानी से होगी? जब तक राम वाली आत्मा संपन्न स्टेज नहीं धारण करती है तब तक विष्णु चिंतन पैदा हो रहे हैं या देवता पैदा हो रहे हैं? पहला देवता कौन पैदा होगा? पहला देवता कौन पैदा होगा? पहला पत्ता। वो जब तक उसकी पैदाइश नहीं होती है, जब तक कृष्ण रूपी बच्चे की पैदाइश पचकता रूपी जन्म नहीं होता है, तब तक ये इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन का फाउंडेशन पड़ रहा है। चिंतन पैदा हो रहे हैं फिर चिंतन, तुम क्या समझते हैं कि हम देवता पैदा कर रहे हैं? हाँ बाबा, लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है इसमें लक्ष्मी के पीछे नीला रंग का कपड़ा क्यों दिखाया और नारायण के पीछे लाल लाल रंग का? नारायण क्रांतिकारी है ना, इसलिए। अब लक्ष्मी हो या कोई भी देवी हो, देवी के पुजारी क्या है? देवी का पीछा करने वाले क्या है? असुर है, इसलिए नीला कपड़ा दिखाया गया। मतलब क्या हुआ? यही पतला कपड़ा माने सभी कुछ लक्ष्मी का पीछा करने वाले हैं। वो हरा रंग हो, हरा रंग भी विषैला माना जाता है, नीला रंग भी विषैला माना जाता है। हरा रंग तो शांति का प्रतीक होता है। शांति का प्रतीक नहीं होता है, शांति का झंडे में तीन रंग है, हरा रंग नीचे है ब्रह्मा की ओर, तो शांति हो गई। वाइट है पवित्रता। हाँ जी, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? शिवरात्रि है साधारण, शिवरात्रि बनाते चले आ रहे हैं भक्ति मार्ग की, और महाशिवरात्रि तब होगी जब बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या अंतर है शिवरात्रि? क्या शिवरात्रि और महाशिवरात्रि कब होगी? जब की एडवांस पार्टी वाले भी घोर अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे और बेसिक वाले भी घोर अंधकार में डूब जाएंगे और दुनिया तो घोर अंधकार में डूबी हुई है, तब कहेंगे महाशिवरात्रि। नुकसान है नुकसान है, क्या समझते हो कि अभी तमो प्रधान हो रहे हैं या संतो प्रधान बन रहे हैं? अभी तमो प्रधान बन रहे हो या संतो प्रधान बन रहे हैं? अभी अभी और पतित बनते जा रहे हैं या पावन बनते जा रहे हैं? तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। शूटिंग अभी जो है वो तमो प्रधान का की ओर जा रही है, हमारी सिर्फ याद की प्रैक्टिस बढ़ रही है, बस ये फायदा है। जिस गाड़ी में पैर रखेंगे वो चलेगी, इसका क्या हाल है? गाड़ी में पैर रखेंगे वो चलेगी, गाड़ी तो मुरले ने बोला कि आगे में गाड़ी चलेगी। क्या था क्या बना देते माना जैसे कराची में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो कराची की ओर जो भी ट्रेनें चली थी या पाकिस्तान की ओर से जो भी ट्रेनें दिल्ली में चली थी, तो जो पहली ट्रेन चली चाहे जहाँ से चली हो, चाहे पेशावर से चली हो, चाहे कराची से चली हो दिल्ली की ओर, चाहे बंगलौर से चली हो, जो पहली ट्रेन चली वो तो बच गए, और उसके बाद जो दूसरी ट्रेन निकली सब काट डालेंगे। ऐसे ही अंत में होगा अचानक, जिन बच्चों को ट्रंकाल आ जाएगा, जिनका बुद्धियोग होगा उनको ट्रंकाल आ जाएगा, चलो, और वो चल पड़ेंगे,
और जो रह गए तो रह जाएंगे। हिंदू मुसलमानों की ऐसा मार काट होगी, खून खराब होगा, कट मरेंगे। अभी तो बोलते हैं हम एक साथ मरना है, कुरान में भी बता दिया है हमको एक साथ मरना है। साथ में टाइटल मिलना अलग बात होती है, जैसे कोई स्कूल होता है, कॉलेज होता है, उसका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल एक साल के लिए दो साल के लिए छुट्टी चला जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा प्रिंसिपल बना के बैठा जाता है, बैठाया जाता है, तो उसको टाइटल दारी कहेंगे या ओरिजिनल कहेंगे? ऐसे ही ओम राधे जगदम्बा टाइटल धारी थी, ओरिजिनल जगदम्बा नहीं थी। ओरिजिनल जगदम्बा यज्ञ के आदि में भी थी, जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, वो ही आदि वाली फिर अंत में प्रत्यक्ष। बाबा अच्छा पिता कुछ सालों बाद मुफ्त में कैसे ले जाएंगे? क्यों नहीं बच्चों उस साल बाद ब्रह्मा बाबा गुप्त में क्यों चले गए? बच्चों की परीक्षा लेने की लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अरे सामने बैठे हैं तब तो कोई बड़ी बात नहीं, अपने सुधार लेंगे। सामने ना हो फिर भी अच्छा काम करके दिखाएं, माला में नंबर लाके दिखाएं, सब बात है। शास्त्रों में लिखा है कि पहले युग में प्रहलाद को उद्धार करने के लिए अवतार लिया और दूसरे हरिश्चंद्र के समय में भगवान ने अवतार लेकर उतारा और द्वापर में धर्मराज का अवतार हुआ तो भगवान ने उसे उतनी कोटि तारा और कलयुग के द्वापर में धर्मराज का अवतार हुआ ऐसा शास्त्र में दुनिया बोलती है। 24 अवतारों धर्मराज का अवतार है कोई? और कलयुग में बलि राजा होता है ऐसा ऐसे बोलता है। तो हमारे संगम युग में शूटिंग जो चल रहा है चारों युगों का तो लंबी चौड़ी कथा कहानियां बना दी। बोल रहा हूँ एक एक की कथा कहानियां में ही लंबा चौड़ा चक्कर है। ऐसा बोलता है कि चार युगों में चार बार भगवान ने अवतार लिया तो चार बार शूटिंग नहीं होती है? देवता वर्ण की शूटिंग, क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग, वैश्य वर्ण की शूटिंग और शूद्र वर्ण की शूटिंग, चार बार अवतार भी हो जाता है। रात में जो शूटिंग चल रहा है जैसे दुनिया बोलते हैं तो बलि राजा का जो अंतिम जन्म है तो यही शूटिंग चल रही होगी क्या? वो अपना तन मन धन सब अर्पण कर दे तो बलि चढ़ गया, पूरा बलि चढ़ गया तो उसका नाम बलि राजा पड़ गया। हाँ जी भारत में जो भगवान को शिव के नाम से पुकारा जाता है, शिव भगवान कहते हैं, भारत में भगवान को नाम से पुकारा जाता है, शिव भगवान कहा जाता है, क्योंकि विदेशों में शिव अल्लाह या शिव गॉड नहीं कहा जाता है, उसका कारण क्या है? गॉड फादर जो है साकार में आता है तब शिव गॉड फादर बनता है या निराकार में रहता है तब गॉड फादर है? पूरी बार बताई ये बात और पूरी बात कह लो। हाँ मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। हाँ प्रश्न क्या है? ये तो बाबा का महावाक्य हो गया, अब आपका प्रश्न क्या है? कैसे होगा? अभी तो बताया जो बात बाप के जीवन में परीक्षा आई है वो परीक्षा बच्चों के जीवन में भी आवेगी, अखबार भी बोलेंगे, रेडियो भी बोलेंगे, टीवी भी बोलेंगे, दुनिया समाज परिवार वाले सब कहेंगे ये भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, हत्यारे हैं,
अब तोहमत लगाएंगे तो घर में बैठे रहेंगे क्या? रहने नहीं देंगे घर में। अब कौन याद आएगा? बाबा तो हो गया व्यक्ति, स्थान कौन सा याद आएगा? अभी तो परम धाम याद नहीं आता है। रोज बाबा चिल्लाते रहते अपने घर को याद करो, घर को याद करो, तो पहले निराकारी धाम याद आएगा या साकारी धाम याद आएगा? साकारी निराधाम कौन सा है? साकार में निराकारी धाम कौन सा है? नहीं, बाबा की प्रकृति भी कहाँ बैठी होगी? अरे पहले पहले परम धाम में कौन प्रवेश करेगा? तुम बच्चे परम धाम को इस धरती पर उतार लेंगे तो कहाँ होगा वो स्थान? कहाँ होगा? होगा कि नहीं होगा? कहाँ होगा? माउंट आबू होगा। कहाँ भागेगी बुद्धि से? ऐसी यज्ञ के आदि में कराची में सबकी बुद्धि भागी थी और कराची भाग गए। ऐसे ही जो बाप के बच्चे होंगे वो कहाँ भागेंगे? उन्हें दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। एक क्यों बाबा, दूसरा न कोई। आज भी बाबा मेरे को ड्रामा ऐसा हुआ, तालुपुर से मणिनगर लेकर दौड़ के आए, पकड़ लिया। उनका तो शुरू हो गया। मेरे को वंडरफुल ड्रामा था। पट्टी कर ली? पट्टी कर ली तो तुरंत दान महाकल्याण हो जाएगा। तो हमारे दवा दादा डेढ़ साल हो गए, तो डेढ़ साल तुरंत दान महाकल्याण कहाँ हुआ? बाबा कहते एक पतंगे ऐसे होते हैं कि आए, चक्कर काटा, दाढ़ी मूछ गली और भाग गए। एक पतंगे ऐसे होते हैं, आए, चक्कर काटा, फिर दाढ़ी मूछ गली, फिर भाग गए। एक ऐसे होते हैं कि आए, भट्टी में गिरे, जलन महसूस हुई लेकिन बड़ा मजा आया। हा हा, तीन तरह की पतंगी है। तुरंत दान महाकल्याण वाले कौन से हुए? जो आए और स्वाहा हो गए, भट्टी करके वापस जाने की बात ही नहीं। न एक साल, न डेढ़ साल, न दो साल, न चार साल, तेल गलत। बाबा सूरत का मतलब क्या है? है? सूरत का सूरत है, तुम्हारी सूरत दिखाई नहीं पड़ रही। मैं तो सूरत में इसमें हुआ ना, सूरत क्या ना, सूरत हाँ सूरत माने सूरत में क्या हुआ? एक होती है सूरत और एक होती है सीरत। सीरत माने अंदर के कर्म, अंदर का स्वभाव संस्कार, उसको कहते हैं सीरत। और बाहर से जो दिखाई पड़ता है वो बोला है मनुष्य की बाहरी आकृति, मन की एक प्रतिकृति है। माने इस आदमी के अंदर क्या भरा हुआ है वो उसकी सूरत में ही दिखाई पड़ता है। तो कैसे सूरत? बाबा मन को कंट्रोल करने की विधि क्या है? बाबा को याद करो, अभी तक सूचने की बात। अच्छा जो माता को किया
बाबा हमने एक बात सुनी है माउंट आबू में, एक बात सुनी है क्या भाई क्या के लिए ऐसा सुना है कि बाबा ने डॉक्टर ने बताया कि दूध जो खाते हैं तो दूध की कोई भी चीज खाते हैं तो शरीर में बहुत बढ़िया रोग पैदा करता है, इसलिए दूध खाना मना है ऐसा सुना। आज की कौन सी दुनिया है, कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग में जो भी चीजें मिल रही है, चाहे अनाज मिल रहा है, चाहे सब्जियां मिल रही है, चाहे फल मिल रहे हैं, कीड़े वाले मिल रहे हैं कि बिना कीड़े वाला मिल रहा है, आजकल जो भी बकाया भैंस चल रही है, दूध दे रहे हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सब दूध आता है, और दूध में कीड़े ही कीड़े भरे हुए हैं, इसलिए गलत नहीं खा है। उससे तो अच्छा ये है कि घर में सोयाबीन ले आओ, भिगो दो, थोड़ा अंकुर करो, अंकुरित करो और उसका दूध निकाल के रोज पियो। मैंने ये सोचा कि क्या बाबा ने बाबा के लिए बोला है या बच्चों के लिए? सब के लिए बोला है, यही बात जाननी है। अच्छा टाइम हो गया, हमको हो जाएगी देर, जब सूरत बढ़िया बन जाएगी।